कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिक संगठन ने वीर शहीदों को याद किया। पूर्व सैनिक संगठन ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ शहीद स्मारक में मनाई। इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद गोविंद सिंह पोपला की पत्नी प्रेमा पोपला ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं से मोहताज रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेरे पति गोविंद सिंह पोपला के नाम पर बिंदुखता में कोई भी स्मारक नहीं बनाया गया है। उनके नाम पर एक सड़क बनाई गई थी जो कि खस्ता हाल में है। उनके नाम का बोर्ड भी उन्होंने अपने निजी खर्चे से लगवाया था जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूरे देश में जहाँ भी उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में आज विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। हमारे वीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानी अपने देश के लिए इस माटी के लिए अपने खून के नछौर किया है, इसलिए हम उन सैनिकों के लिए आज विजय दिवस के अवसर पर विजय दिवस मनाते हैं। कोई रोड नहीं था लाल से, तो उस टाइम सारे नेतागण आए, सब मंत्री लोग आए, तो हमारे गांव के जो ये नेतागण ने कहा कि रोड के लिए बोलो, रोड के लिए बोला। मैंने यहाँ से देहरादून भी गई, वहां से 6 महीने भी नहीं हुए थे मेरे पति को शहीद हुए, एक पानी की बोतल से मैंने रास्ता काटा। यहाँ से ये स्मारक से रोड, यहाँ से उनके नाम से रोड आई हमारी कार रोड तक, अभी तक एक नाम नहीं है मेरे पति का इस रोड में। कारगिल लड़ाई के दौरान हमने तकरीबन 100 दिन भूखे रह करके हमने लड़ाई लगी। हमारी यूनिट प्रथम नाका थी जिसको टास्क मिला था सबसे पहले, क्योंकि हमने श्रीनगर में 6 महीने के अंदर 28 मिलिटेंट को मारा था, इसलिए हमको सबसे पहले हमको टास्क में दिया गया कि कारगिल में कुछ यानी कि मिलिटेंट्स आए। वो ये पता नहीं था कि कारगिल 80-90 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में 12-13 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी घुस करके हमारे पूरे एरिया को कब्जा करके लिया हुआ करके, ये पता नहीं था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।